फूड सेफ्टी बहुत जरूरी चीज है। फूड में नंबर वन बिल्कुल साफ सुथरा खाना खाना है, जिससे कि कीटाणु अंदर ना जाएं और ना आपको कोई डायरिया हो या टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सारी फूड से संबंधित, उसके कंटामिनेशन से संबंधित बीमारियां हैं। इसके सिवा फूड हेल्दी होना चाहिए और आजकल जबकि कोविड-19 का जमाना है, कम से कम 5 से 9 सर्विंग्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की खानी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से धोकर, बहुत साफ सुथरा रखकर, और प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए और इस कीटाणुओं से और वायरस से लड़ने की क्षमता दे। 2 चीजें और जरूरी हैं। एक, सॉल्ट का सेवन यानी कि नमक का सेवन कम करना। नमक ज्यादा सेवन करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपके हार्ट पर असर पड़ेगा और इंडिया में नमक का सेवन जल्दी ज्यादा है। अब जैसे नमकीन चीजें हैं या फिर अचार है, पापड़ है, चटनी है और चिप्स हैं जो चारों तरफ मिलते हैं, इन सब का सेवन आप कम करें। शुगर और उसके संबंधित बनी हुई चीजें, इसका भी सेवन आपको कम करना चाहिए। शुगर का डायबिटीज से संबंध थोड़ा बहुत है ही है, लेकिन ज्यादा लिवर से संबंध है, पैंक्रियास से संबंध है, हार्ट से संबंध है। अगर आप शुगर का सेवन ज्यादा करेंगे तो लिवर में जाकर वो जम जाएगा और लिवर को उसको डैमेज कर देगा। तो देखिए, साफ सुथरा फूड खाएं, ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, ज्यादा प्रोटीन खाएं और नमक और शुगर का सेवन कम करें तो आप स्वस्थ रहेंगे, आगे आप में कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता, वायरस से लड़ने की क्षमता ज्यादा रहेगी। थैंक यू।